दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका करियर प्लस चैनल में। और सुबह खबरों कुछ इम्पोर्टेंट खबर छूट चुकी थी। सदन में हर मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार, सभी सवालों के जवाब देंगे। तो यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे माननीय मुख्यमंत्री जी ने आदेश कर दिए, सभी सवालों के जवाब दिए जाएंगे यहाँ पर जो है ये। नेक्स्ट अपडेट की ओर, विधानसभा में जो है 13 अध्यादेश और 11 विधेयक जो है हुए पेश, जिसको मंजूरी दे दी गई। 3 विधेयक को जो है राज्यपाल की मंजूरी के बाद इसमें अधिनियम में पूरा इसमें पारित कर दिया गया है। साथ में जो है नया शिक्षा सेवा चयन आयोग भी जो है पारित हो चुका है विधानसभा से। नेक्स्ट अपडेट की ओर यहाँ पर बताया गया, इसमें तो मुख्य सचिव रैंक के भी जो है बन सकेंगे आयोग के अध्यक्ष, मतलब आयोग के बन के तैयार है। केवल अध्यक्ष का चुनाव है, सदस्यों का चुनाव है। तो यहाँ पर ये देख सकते हैं, यहाँ पर जो है बताया गया, इसमें उत्तर शिक्षा सेवा चयन आयोग विधेयक जो है पास हो चुका है। केवल सदस्य अध्यक्ष का इंतजार है। यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर बताया गया पेश हो चुका है और विधानसभा में जो है ये पेश होने के बाद यहाँ पर जो है मोहर लग चुकी है। बताया गया इसमें जो विधान परिषद हंगामे के बीच जो है निपटाए विधायक कार्य। नेक्स्ट अपडेट की ओर, कम हो गए हैं शिक्षकों के 1.39 लाख पद। शिक्षा मंत्रालय ने राज्यसभा में जो है एक सवाल दिया जवाब, एक साल बड़े पैमाने पर घटी संख्या, अंतर जनपदीय पारस्परिक जो है तबादले को 13 को तक दे सकेंगे सूचना। यहाँ पर ये पूरी संख्या दे रखी है। नेक्स्ट अपडेट की ओर, CHSL का जो है रिजल्ट वो घोषित हो चुका, 3342 अभ्यर्थी चयनित हो चुके हैं। यहाँ पर जो कर्मचारी चयन आयोग की तरफ से जो है ये पूरी यहाँ पर बता दिया गया। नेक्स्ट अपडेट की ओर हम इसमें बात करेंगे, इसमें 1 अप्रैल 2005 से जो है पहले विज्ञापित पदों पर जो नियुक्ति पाने वालों को जो OPS नहीं मिलेगा। यहाँ पे 1 अप्रैल 2005 से जो पहले जो है अपॉइंटमेंट हुआ उसमें OPS इनको जो नहीं मिलेगा। यहाँ पे जो है वित्त मंत्री जी ने जो है वो आदेश कर दिए गए हैं। और नेक्स्ट अपडेट की ओर, यहाँ पर कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय के अंतर्गत जो गाजीपुर का नाम सुना होगा, गाजीपुर में जो है यहाँ पे जो भर्ती विज्ञापन जारी हो चुका है। तो यहाँ पे जो कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय में चौकीदार है, मुख्य रसोई है, लेखाकार, अंशकालीन, टीचरों की भर्ती सब कुछ यहाँ पर आ चुकी है। साथ में जो है इसमें जो है चौकीदार हैं, चपरासी हैं, ये सब आप ये देख सकते हैं यहाँ पर ये बता दिया गया है। साथ में जो गार्डनर हैं, माली वगैरह का पद भी गाजीपुर से इसमें आ चुके हैं कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय में। और नेक्स्ट अपडेट की यहाँ पर बात करेंगे, समायोजना के बाद जो इसमें होगी भर्ती आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की सहायकों की भर्ती समायोजन के बाद इसमें कराई जाएगी। नेक्स्ट अपडेट की ओर, इसमें जो है 2 माह में आएंगे विज्ञापन, होंगी परीक्षाएं, भर्तियों के परिणाम आने की उम्मीद। UPSC में जो 2600 से अधिक जो है पदों पर कर रही है इसमें भर्ती की तैयारी। नेक्स्ट अपडेट की ओर बात करेंगे, इसमें जो है कि 72825 अभ्यर्थी इसमें जो है भर्ती अभ्यर्थियों का वापस होगा शुल्क। ये बात हो रही है, इसमें 2011 में 72000 भर्ती आई थी, उसमें जो है प्राइमरी की शिक्षक भर्ती इसमें TET पास वाले इसमें जो शुल्क लिया गया उनको जो है वापस किया जाएगा। और यहाँ पर जो भी UP SSC लेखपाल भर्ती के लिए जल्द पूरा करने के संबंध में जो है माननीय मुख्यमंत्री जी को आदेश कर दिए गए हैं। यहाँ पर भी जो कोर्ट ने भी कहा है कि जल्द से जल्द भर्ती की जाए, और आदेश जो है माननीय मुख्यमंत्री जी ने कर दिए हैं कि यहाँ पर जो है कि यहाँ पर भर्ती जल्द से जल्द कराई जाए। पर अभी तो अटकी इसमें हुई हैं लड़के जो लगातार जो है मुख्यमंत्री जी को पत्र लिख रहे हैं ये, और लड़के जो हैं ये इंटरव्यू दे के आ रहे हैं संविदा चपरासी भर्ती का। इसमें लिखा हुआ है कि चपरासी भर्ती में पैसा चलता है, इंटरव्यू हो गया इनका जो है, तो बता रहे हैं कि पेमेंट चलता है। तो वही सीधी सी बात, इनसे मांग गया हुआ इनका इंटरव्यू था ना इसलिए। तो अब देखते हैं क्या होता है, भर्ती कब तक फाइनल होती है, जो इंटरव्यू तो हो चुका है। तो अगर चैनल पर अगर नए हैं तो आप चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, जैसे भर्ती की लिस्ट आती है सबसे पहले इस चैनल के माध्यम से आपको मैं दिखा दूँगा। प्लीज़ सब्सक्राइब माई YouTube चैनल करियर प्लस। थैंक यू वेरी मच।